हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अरिहंत। आप सबको बताने आता हूँ कि बहुत बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ मैं। देख लो इसमें क्या है, हमारा क्रोशे पेपर किस तरह डिजाइन होता है वो सब बताने वाला हूँ मैं आपको। तीन पार्ट्स में बता रहा हूँ मैं आपको, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। पार्ट टू और पार्ट थ्री जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि चैप्टर कितने मार्क्स से आने वाले हैं, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो कितने मार्क्स से आने वाला है। अरे वो ज्यादा नंबर आ रहा है तो उसे कंप्लीट करो, कम नंबर आ रहा है क्या उसे कंप्लीट मत करो, ध्यान मत दो, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, उसके हिसाब से आप अपना टाइम शेड्यूल मैच कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले हैं। आधे बच्चों को यही नहीं पता कि सर 4 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं नहीं आते, 5 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं नहीं आते, 6 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं नहीं आते, कौन कौन चैप्टर से आने वाले हैं, सब बताने वाला हूँ। बस पूरी वीडियो इतनी है। जिस तरह मैं क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर लिखा हूँ, मैं डिजाइन करता प्रॉब्लम बताया मैंने क्या है क्या नहीं है, ठीक उसी तरह अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके कोई सब्जेक्ट का, तो करना क्या है, कमेंट बॉक्स में आप जाइए, वहां पर कमेंट कीजिए और बताइए कि सर क्लास 12 या क्लास 10 का इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डिजाइन का बता दो, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। इस वीडियो देखने के बाद मैं पक्का श्योरिटी भी बोलता हूँ, जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं, क्लास 10 मैथ्स वाले बच्चे हैं, उनके बहुत बढ़िया नंबर आने वाले, पक्का 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 श्योरिटी है, फुल मैं बोलता हूँ 100% गारंटी है उन बच्चों के अच्छे नंबर की। जिस तरह चैप्टर ना 1 से लेकर 21 चैप्टर 21 चैप्टर अपलोड होते हैं स्टडी विद अरिहंत वाले चैनल पर, ठीक उसी तरह मैंने बोल रहा क्वेश्चन डिजाइन जो हो रहा वो बताऊँ ना, बता रहा हूँ, ब्लू प्रिंट में लिख के आ चुका हूँ आज। और एक चीज और, इसमें ही क्लास 10 की जो मैथ्स है हमारी, इसमें बताने वालों में वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी वीडियो भी आएगी बहुत जल्दी, थोड़ा सा वेट दीजिए, जैसी बन जाएगी अपलोड हो जाएगी हमारी साइट पर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, मेन पॉइंट आते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, देखो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आप सबको बताना चाहिए, क्लास 10 का जो पेपर होता है वो 2.5 घंटे पेपर होता है, 2.5 आवर का पेपर होता है, कितने मार्क्स का होता है, 85 मार्क्स का, क्लियर हो गया आपको। इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट में बता रहा हूँ, इसमें क्या है, वेटेज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हमारा, पहला उनसे हो रहा जो नॉलेज के बेस पर, कितने मार्क्स से वेटेज आएगी उससे, 25 मार्क्स से वेटेज आने वाले, यानी टोटल मार्क्स जो होंगे उसका 30% अप्रोक्सीमेट हो रहा हमारा। फिर से रिपीट भी कर रहा हूँ कि जो पहला जो हमारा हो रहा, मान लो एक मिनट की क्या है, ऑब्जेक्टिव बात कर रहे हैं, वो नॉलेज बेस पर हो रहा, जिससे जो भी नॉलेज है उसके हिसाब से हमारे क्वेश्चन आएंगे, हमारे 25 मार्क्स से पेपर ऐसा आ रहा जो नॉलेज बेस पर हो रहा, कितना हो गया हमारा 85 मार्क्स का, 30% डाल लेना आपके आ जाएंगे 25 मार्क्स अप्रोक्सीमेट। दूसरा क्या हमारा, अंडरस्टैंडिंग, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको समझ कर देखना पड़े क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वो कितने मार्क्स आ रहा, 42 मार्क्स का, हाईलाइट कर लो उसको, यानी 42 मार्क्स ऐसे आएंगे जो अंडरस्टैंडिंग यानी समझकर हमें सॉल्व करके आंसर निकालने होंगे, कितने मार्क्स आ रहा, ऑन एवरेज 85 का 50% अप्रोक्सीमेटली, तो यानी 50% पेपर कहाँ से आने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस पर। अब एप्रिसिटी बात कर रहे हैं, इसमें क्या हमारा 10 मार्क्स से पेपर आएगा, कितना परसेंट हो गया हमारा वो 11%, यानी हम बोल सकते हैं कि 85 का 11% इसमें से आने वाले हैं एप्रिसिटी में से। चौथा वाक्य है, स्टिल बेस पर होंगे, जो थोड़ी टेक्निकल चीज होती है हमारी उससे बेस पर होंगे, जिससे बिहाफ पर आपके आएंगे 8 नंबर, 8 नंबर पेपर ऐसे बनेगा हमारा, इससे बेस बनने वाला है, और 9% क्या हो रहा हमारा, अप्रोक्सीमेटली हो रहा किसका, 85 का, टोटल मार्क्स जो होंगे उसका 9% कितना हो गया, 8 मार्क्स हो गया हमारा, 8 मार्क्स वो होंगे हमारे स्टिल बेस पर। ये 4 पार्ट्स में पेपर डिवाइड होने वाले हैं, फिर से रिपीट करो मैं, 4 पार्ट कौन से हैं, नॉलेज हो गया हमारा, दूसरा हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग हो गया, तीसरा मार्क क्या हो गया, एप्रिशन हो गया, चौथा मार्क क्या हो गया, स्किल्स हो गया। इन मार्क्स को आप प्लस कर लेना, आपके मार्क्स जो आएंगे वो आएंगे हमारे इतने 85 मार्क्स, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप की बात कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें बात करने वाला हूँ कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने मार्क्स क्वेश्चन आने वाले हैं, सब बताने वाला हूँ मैं, जिससे कि आप सबके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। बस एक बार ये वीडियो पूरी आप देख लो तो पक्का श्योरिटी है, 100% गारंटी है कि आपके क्वेश्चन में डिजाइन जो होने वाला है उसके हिसाब से स्टडी होगी और मार्क्स बहुत बढ़िया आने वाले हैं। बस करना है क्या ना, सपोर्ट करना है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए,
और वीडियो पसंद आई लग रहा है कि आप सबको कि अरियन सर जो है आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। और एक बात और, जिससे ने ना क्लास 12 के बच्चे भी देखे होंगे ये वीडियो और 10 के बच्चे भी देखे होंगे, मैं आपको बताने आता हूँ कि क्लास 12 वाले बच्चों, आप अपने छोटे भाई बहन जो क्लास 10th में है, ग्रुप बने होंगे, उनमें वीडियो शेयर करना। और क्लास 10th में बच्चों जिस तरह आपकी हेल्प हो रही है ना, ठीक उसी तरह क्या है, और बहुत सारे फ्रेंड्स बच्चे आपके ऐसे होंगे जो चाहते हैं ये चीज़ देखना और उन्हें पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, तो आप उनके साथ वीडियो शेयर करो, हर टेलीग्राम ग्रुप में, हर व्हाट्सएप वीडियो में शेयर करना, जिससे कि उनके भी डाउट्स क्लियर हो पाए। अब हम चल रहे पर हम क्वेश्चन भी करते हैं, जिससे कि मालूम पड़ पाए कितने मार्क्स है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, सब बताने वाला हूं मैं आपको। और हम आ चुके हैं फाइनली उस पर, आ चुके हैं किस पर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं बताने वाला हूं, कितने आने वाले हैं, 36 क्वेश्चन। लिख लो एक पेज पर, स्क्रीनशॉट ये ले लेना ध्यान से, नहीं समझ में आता तो एक से दो बार ये वीडियो देख लेना, क्योंकि क्लास 10 मैथ्स सैंपल देने से पहले आपको ये वीडियो इतनी बहुत जरूरी है, ठीक है। 36 क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने मार्क्स पेपर होने वाले हैं, 85 मार्क्स, याद रखना। अब इसमें क्या है हमारा, वो बताने वाला हूं मैं आपको। नंबर वन में क्या है, लॉन्ग आंसर, जो आपके मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन, कितने मार्क्स से आने वाले हैं, 6 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने मार्क्स से आने वाले हैं, 6 नंबर के। कितने क्वेश्चन आएंगे हमारे, 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, कितना हो गया हमारा, 18 नंबर यहां से होने वाले हैं। कौन चैप्टर में से आने वाले, कितने मार्क्स से, ये बताने वाले, थोड़ा सा वेट करो, बताने वाले पूरी वीडियो इतना ध्यान से। 18 नंबर ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या है, कितना टाइम लगना चाहिए वो बताने वाले। अगर आप 6 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगाने हैं, 10 × 3 कितना हो गया, 30 मिनट, यानी आधे घंटे में आप 3 क्वेश्चन जो 6 नंबर है, 18 नंबर पक्के हो जाने चाहिए। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या है, शॉर्ट आंसर, कितने मार्क्स से होंगे, 4 नंबर के, कितने नंबर के आ रहे हमारे, 4 नंबर के, यानी याद रखना 5 नंबर क्वेश्चन आने वाला नहीं है, 6 नंबर का, फिर उसके बाद क्या हमारा, 4 नंबर का। नंबर क्वेश्चन कितने आ रहे हमारे, 8 क्वेश्चन आने वाले 4 नंबर के, कितना हो गया हमारा, 32 हो गया हमारा। अब आपको याद रखना है कि, याद रखना, अगर आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको एक क्वेश्चन में 6 मिनट लाने हैं, 6 मिनट लाओगे तो 8 × 6 कितना हो गया, 48, यानी 48 मिनट में आपका ये क्वेश्चन जो है, 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। ये भी हो गया, समझ में आ गया, तो समझ में आना, वीडियो लाइक करने कंजूसी मत करना, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं आपको। अब शॉर्ट आंसर की बात कर रहे हैं, कितने मार्क्स से आने वाले, 2 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन नहीं आएगा, दोनों क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने मार्क्स से हो गया, नंबर क्वेश्चन कितने आएंगे हमारे, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 मार्क्स के हमारे, 20 मार्क्स तो हो गया हमारा, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको 3 मिनट लाने हैं, यानी अगर आप चाहते हो 90% से अबव मार्क्स, करना कि आपको एक क्वेश्चन जो 2 नंबर क्वेश्चन आएंगे हमारे, उसमें एक क्वेश्चन में 3 मिनट रहने चाहिए, जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आए। ऐसा ना उठाए सीबीएसई वाले बच्चों के नंबर अच्छे आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि एनएसएस बच्चों के भी नंबर अच्छे आने चाहिए, इसलिए मुहिम चल रही है, एफर्ट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। 3 मिनट रहने चाहिए एक क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए, कितना हो गया, आधे घंटे में आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए 2 मार्क्स वाले। अब बात करें वेरी शॉर्ट आंसर, 8 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे हमारे, 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने मार्क्स हो रहे, 15 हो रहे। 8 क्वेश्चन में मैथ्स टू मैथ्स 2 मिनट रहने चाहिए, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, ये इतना हो गया, 30 मिनट ये हमारा हो गया, मैंने आपको पूरा बता दिया। देखो अगर इस टाइम शेड्यूल के हिसाब से आप चलोगे तो आपके 138 मिनट्स में पेपर कंप्लीट हो रहा, 12 मिनट मैंने छोड़े हुए हैं, क्यों छोड़े हुए हैं, 12 मिनट में आप जाकर रिविजन करना, जिससे कि मार्क्स आपके बहुत बढ़िया आ पाए। तो आपका 1.5 घंटे का टाइम शेड्यूल पूरा मैंने बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका पेपर छूटने वाला नहीं है और बहुत बढ़िया नंबर आने वाले हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब चलते हम स्टेप 3 पर चलते हैं, जो हमारा क्या होने वाला है, मैं बताने वाला हूं किस चैप्टर में कितने मार्क्स क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम आ चुके हैं सबसे मेन पार्ट पर, कौन से हमारा चैप्टर वाइज कितने मार्क्स पेपर आने वाला है, कितने नहीं आने वाला है, सब बताने वालों मैं आपको, ध्यान से इतना। इसमें क्या है, वेटेज बाय कंटेंट, कंटेंट के हिसाब से क्या है, वेटेज बताई हुई हमारी। सबसे पहले बताने वाला हूँ एलजेब्रा, जो हमारा एलजेब्रा माई यूनिट है, कितने मार्क्स की वेटेज हमारे, 20 मार्क्स, 20 नंबर की वेटेज है। अब मुझे आप बोलोगे कि सर हमें यही नहीं पता कि एलजेब्रा में कौन कौन चैप्टर्स आते हैं, वो बताने वालों मैं आपको, इसमें बता रहा हूं मैं आपको, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक
कहीं पर लिख लेना चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 चैप्टर्स जो है हमारे, वो चैप्टर्स आ रहे कहां पर, एलजेब्रा में, और वो कितने मार्क्स का आने वाला है, 20 मार्क्स का आने वाला है। क्लियर हो गया। दूसरा मार्क है कमर्शियल मैथमेटिक्स, कितने मार्क्स का आने वाला है, 8 नंबर का आने वाला है। कौन से चैप्टर्स होते हैं हमारे, चैप्टर नंबर 8 और 9, कौन से दो ही चैप्टर्स में आते हैं हमारे, चैप्टर नंबर 8 और 9 हो गया हमारा। ये भी क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। ज्योमेट्री बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री जो होने वाला है 10 चैप्टर से लेकर 19 चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 10 से लेकर 19 चैप्टर, यानी 10 से 19 चैप्टर होने वाले हैं। कितने मार्क्स की वेटेज है हमारा, 25 मार्क्स का, अकेला ये यूनिट जो है 25 मार्क्स का है हमारा। मेंसुरेशन, जो मेंसुरेशन है हमारा वो दो ही चैप्टर है हमारे, चैप्टर नंबर 20 और 21, ठीक है। कितने मार्क्स का आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 10 नंबर का, कितने मार्क्स का आ रहा है हमारा, 10 नंबर का आने वाला है चैप्टर नंबर 20 और 21। अब बात करें ट्रिगो की, ट्रिगो जो आने वाला है वो आने वाला है हमारे, दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 22 और 23, दो चैप्टर्स हमें गिवन है। कितने मार्क्स से बेटर जी हमारा, ये भी 10 नंबर का होने वाला है, ये भी क्या हमारा, 10 नंबर का होने वाला है। अब बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल, जो बच्चे कोई बच्चा भी मिस नहीं करने वाला, सबसे इजीएस्ट चैप्टर में से एक है हमारा, चैप्टर नंबर 24, 25 और 26, यानी ये तीन चैप्टर के बेस पर आपके 12 नंबर पक्का होने वाले हैं। देखो आप सबको मैं इच्छा बताऊं, मैंने बता दिया चैप्टर वाइज भी, कंटेंट वाइज भी, यूनिट वाइज भी सब बता दिया कि कितने मार्क्स से नंबर क्वेश्चन इतने आने वाले हैं, कितने मार्क्स से कौन सी यूनिट है हमारी सब बता दिया, और उस यूनिट में कौन से चैप्टर्स आते हैं डिटेल में समझा दिया मैंने आपको। अब देखो एक बार ध्यान रखना, सबसे पहले ध्यान क्या रहना है वो बताने वाला हूँ आपको मैं, ध्यान आपको ये रहना है, सबसे पहले 20 मार्क्स जो है ये वाले कंप्लीट कर लेना, और लास्ट के जो हमारे ये है ना दो चैप्टर ये जो है ये कंप्लीट कर लेना, और 25 मार्क्स ये कंप्लीट कर लेना। अगर आपने ये 1, 2, 3 अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो बहुत ईजी है होने वाले हैं, 20, 25 + 10 + 12 कितना हो गया हमारा, ये हो गया 45, 55, 67 मार्क्स पक्के होने वाले हैं आपके 85 में से 67 मार्क्स पक्के हो रहे हैं इन चार यूनिट के बेस पर। तो पहले आप ये चार यूनिट कंप्लीट करना। क्लियर हो गया, वीडियोस अपलोड हो चुकी है हमारी, देख लेना मैथ्स मैराथन। देखो ये सब मैंने वीडियो बनाई और लगता है आपको कि इसमें जो पूरी मैंने जान लगाई है, कंटेंट ढूंढ के लाया, बनाया आप सबके लिए, लगता है कि आप सबका बेनिफिट हुआ। तो करना क्या है ना, चैप क्लास 12 के बच्चों या 10th के बच्चों, अब करना क्या आपको, हर 10 ग्रुप में, हर व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचा लेना, क्योंकि आपका शेयर क्या होता है, उस बच्चे का बेनिफिट होता है। करना क्या, देखो आपकी मेहनत चल रही है तो आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करने में कंजूसी मत करना, और अगर आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर भी कोई डाउट्स आते हैं, करना क्या है, उसकी फोटो खींचकर आप तो स्टडी विद अरिहंत नाम से बना हुआ है इंस्टाग्राम पर पेज बना हुआ है, वहां पर जाकर मुझे डीएम कर लेना, उस पर भी मैं डाउट सेशन में आपको बताने वाला हूँ। और वो डाउट सेशन कब आने वाला है, संडे को आने वाला है, उसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट कमेंट बिलो, और डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, शब खैर।